थोड़ी आप समझ लेते हैं जी जी राकेश और जिसके लिए बोध गया क्या महत्व है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राकेश आते हैं आप जानते हैं कि हर वर्ष बड़ी भारी संख्या में लोग आते रहे हैं। बीच में जो कोरोना का दौर आया उसके चलते ये था, फिर इस बार भारी संख्या में आज ही हमको पता चला है कि अभी 1,00,000 पहुंचे हुए जी, आगे भी और से बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर सब तरह का इंतजाम किया हुआ है। अब बीच में इधर फिर शुरू हो गया था, अपने यहाँ तो बिहार में कोरोना जीरो हो गया था, लेकिन फिर जो शुरू हुआ तो उसके चलते एक एक तरह चीज के लिए रखा गया है, इंतजाम रखा गया है सब तरह से, और हमारे डीएम एक एक चीज को देख रहे हैं, सारे लोगों को उसके लिए जिम्मेवारी है, सब चीज को देख रहे हैं, किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं हो, तो ये सब काम। दलाई लामा जी से मुलाकात भी हो जाती है? उनसे तो मिलना ही है, आप तो आप लोगों को पता ही होगा दलाई लामा जी से हमारा क्या संपर्क का संबंध है, कितना ज्यादा पहले का, तो आए हैं तो कैसे नहीं, बीच में 2 साल तो नहीं आ पाए, लेकिन इस बार जैसे ही आए तो उसका दर्शन करने के लिए आए ही हैं, सब जानते ही हमारा उनसे जो संपर्क है, उनके प्रति जो मेरा सम्मान का भाव है, और आप जानते हैं कितनी बार हम लोग उनको बुलाए हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तक भी हुआ बुद्धिज्म को मानने वाले लोगों का 13 में पटना में, तो सब तरह से तो एक एक तरह का उनसे है ही, और फिर जो हम बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय भी बनवा रहे हैं तो वहाँ पर वैशाली में, तो उनके लिए भी हम उनको आमंत्रित कर दिए, वो बन के कुछ महीने में तैयार हो जाएगा तो उसका भी उद्घाटन आप ही को करना, तो ये सब बात हो गई है, हाँ सब चीज बात कर चुके हैं सर। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि 2023 में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बर्खास्त कर देंगे, इससे अच्छा क्या होगा, उनको कहिए एकदम खुशी मनाइए, खूब खूब खुशी मनाइए।